कॉमेडी तो एक वो थी जेड़ा धमाल ना पावे ओदी जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे और धोती शलवार लाना भी मना है। धोती शलवारें लगी हुई है। शलवार हाँ, पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह माफ फरमाए। अच्छा। सबको हिदायत अता फरमाए। तो इसमें दोनों में फर्क कोई नहीं है, तो इसलिए जब आप व्हेन यू ओपन योरसेल्फ, आप किसी अपने आप को ओपन करते हैं किसी एक इरेशनल चीज के लिए, तो आप अपने आप को किसी भी चीज इसी। आपने बड़े बड़े सुने होंगे कि मजार होते हैं, मांगी जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। एक बड़ी मजे की इंजीनियर साहब की वीडियोस बंदा एंजॉय करता, तो उन्होंने एक और वीडियो खोली जिसमें बाबा जी हैं, एक वहां पे एक बड़ी अजीब सी मन्नत मानी जाती है। आपको तो खैर ज्यादा ये सुन्नी इन चीजों का पता है, आपने कोई सबसे अजीब मन्नत कैसी होती होगी किसी बाबे के पास जाके? वो कहते हैं ना, हम बकरा देंगे बाबा जी, हमारी ये दुआ पूरी कर देंगे, तो कोई अजीब सी कोई बताएं आप जो सबसे अजीब आपने सुनी हो। वो तो वही है, वो जो बच्चा देते हैं दोले शाह के मजार पे, पहला बच्चा, फर्स्ट बॉर्न। नहीं, वो तो अफसोस को ना, ना लेकिन मैं आपको अगर दिखाऊं के अजीब कॉमेडी कॉमेडी तो एक वो थी जेड़ा धमाल ना पावे ओदी वो भी वो होगा। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी शलवार शाह जी। जहां जाओगे तो शलवार दे के आनी है बाबा जी शलवार वाली सरकार। सुनिए, सारी ये ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है, और यहाँ आप कमरा में लिख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। लोग कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे और धोती शलवार लाना भी मना है, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। दूसरी शलवार भी लाना मना है, आगे और पीछे हाथ रख के वापिस। तो देखिए आप, दुनिया किस तरफ जा रही है और कौन सी तरक्की में जा रही है, और हम मुसलमान देखें कहाँ पे फंसे हुए हैं इन चीजों में। अच्छा, वैसे ना एंड में ये रीजनेबल किस तरह बन जाते हैं स्टोइक साहब, रीजनेबल बन जाते हैं कि यार देखो कितने बेवकूफ हैं ये लोग, देखो जी शलवारें लटका रही हैं, डोले शाह चुई और ये वो, कितने कितने स्टूपिड लोग हैं, हम तो मुसलमान बड़े। तो तुम क्या कर रहे होते हो? कुर्बानी के बकरे दे रहे होते हो, सदके के बकरे दे रहे होते हो, दुआएं मांग रहे होते हो अल्लाह मियां से। वो उसके पीछे कौन सी बड़ी साइंस होती है? उस पे बड़े डिसेंट बजते हैं कि दुआ तो अल्लाह से होती है ना, दुआ तो देखिए, दुआ तो बड़ी लॉजिकल चीज है ना। और दुआ में और एक बाबे के लिए शलवार लटका देने में, चाहे कमीज लटका दो या अपना कोई बच्चा कुर्बान, अपना बच्चा दे आओ, इसमें फर्क क्या है? या हजरत मोहम्मद खोते के ऊपर बैठ के ऊपर चला, इसमें लॉजिक कौन सी है? लॉजिक तो दोनों में ही नहीं है। अपनी दफा बड़े डिसेंट बन जाते हैं, नहीं नहीं हम तो मांगते तो अल्लाह से ही है ना, ये बाबे से क्या मांगना, ये बढ़िया हम कहना बात है। अच्छा, आगे भी सुने, सारी शलवारें लगी हुई है, सारी शलवारें। हाँ, पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह माफ फरमाए। अच्छा। सबको हिदायत अता फरमाए। हम इस वक्त मौजूद हैं शलवार शाह बाबा की मजार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो, शलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। कौन सी मुश्किल आसान होगी बाबा जी की? मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं शलवार शाह बाबा की मजार पे, जहाँ शलवार उतार के दुआ मांगी जाती है, और दूसरी शलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। ये आप अंदर देख सकते हो दरबार, यहाँ आगे लगी पड़ी शलवारें जलाई जा चुकी है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि ये बनते कितने। तो आपकी क्या, आप स्टोइक साहब, आपको अगर कोई अपनी दुआ पूरी करानी हो और आप मायूस हो जाए अल्लाह में आपकी दुआ ना सुन रहे हो, तो आप शलवार उतारेंगे वहां जाके? हारिस भाई, जिस दुआ में, जिस ख्वाहिश के अंदर
इज्जत के बच यानी कि मसला हो थोड़ा सा कि बंदा जो है वो उस पे बात आ जाए, तो फिर ऐसी दुआ जाना कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं ये फजूलियात है इनका, टू बी फेयर वैसे ना इनका इस्लाम से वाकई कोई ताल्लुक है भी नहीं, ठीक है। ये नहीं, बेड़ा नहीं, गर्क हुआ नहीं, लेकिन नहीं लेकिन स्टोरी की मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि व्हेन यू ओपन योरसेल्फ अप फॉर एन इरेशनल बिलीफ देन यू ओपन योरसेल्फ अप फॉर ऑल दीज इरेशनल बिलीव्स, क्यों नहीं होगा ऐसे? हाँ, yeah, that I agree, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर जैसे भी कहा खड़े हो, हाँ, जो मर्जी हो, अंगूठियां हो, तावीज, ये एग्जैक्टली हाँ, तावीज करते हैं, जादू टोना अमली बाबा बंगाली बाबे का करते हैं। जब आप एक दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मियां मेरे मेरी कमेटी निकल आए, अपने आप से आप बातें कर रहे होते हैं, उसकी कौन सी एविडेंस? ये तो है ना कि आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो इम्तिहान में नंबर अच्छे आ जाएंगे, ये तो एक टेंजिबल चीज है ना, आप कह सकते हैं। ये क्या जी बाबा जी मेरे मेरी मेरी ना मेरा बच्चा पास हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वही दवा कोई जीजे से भी कर रहा होता, उसकी भी या तो हो जाता है या नहीं होता काम, तो इसमें दोनों में फर्क कोई नहीं है। तो इसलिए जब आप व्हेन यू ओपन योरसेल्फ, आप किसी अपने आप को ओपन करते हैं किसी एक इरेशनल चीज के लिए, तो आप अपने आप को किसी भी चीज, इसीलिए रिलीजियस लोगों की प्रोपेंसिटी होती है कि वो जादू टोनों पर यकीन रखते हैं। इवन रसूलुल्लाह खुद भी रहे, हदीस है कि आयत है कि गड़े जो गिरा करने वाले हैं उनसे उनके शर से अल्लाह मियां बचाए, यानी वो जादू करते हैं। फलक, हाँ, सूरह फलक है ना, हाँ। सो तो ये ऐसे शोर लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं बड़े एंजॉय करने के लिए कि यार ये तो बड़ी बेवकूफाना बात कर दिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।